जो आप एक पिलर पीड़ित सदस्य को मौका दिए बोलने का, क्योंकि पीड़ित जी मैं उस पिलर के पीछे मेरी सीट वो स्तंभ है, चलिए, और इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता हूँ। पिलर पीड़ित, खंबा पीड़ित, जैसे मैं पिलर पीड़ित हूँ वैसे ही मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है आजमगढ़, वो भी पिलर ही पीड़ित था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो इस भागम भाग के दौर में हर कोई पीड़ित है, व्यथित है, परेशान है, लेकिन आजमगढ़ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी के सुपरस्टार, गाते भी तुरंत गाना गा लेते हैं, लेकिन वो एक अजीब तरह के परेशानी से पीड़ित है, वो पिलर से पीड़ित है, और लोकसभा में उन्होंने अपनी ये बता बताने में जरा भी संकोच नहीं किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, जो आप एक पिलर पीड़ित सदस्य को मौका दिए बोलने का, क्योंकि पीड़ित जी मैं उस पिलर के पीछे मेरी सीट वो स्तंभ है, चलिए, और इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता हूँ। पिलर पीड़ित, खंबा पीड़ित, चलिए चलिए आप बात रखिए, एक मिनट के जी है, जी मैं अपनी बात रख लूंगा एक मिनट जी। तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसे मैं पिलर पीड़ित हूँ वैसे ही मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है आजमगढ़, वो भी पिलर ही पीड़ित था। इस वजह से सरकार का वहां ध्यान कभी पहुंचा ही नहीं। और अध्यक्ष जी, जैसे काशी विश्वनाथ का पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ, जैसे गोरखपुर धाम का विकास हुआ, वैसे ही भैरवनाथ धाम आजमगढ़ में है और उसका भी पर्यटन की दृष्टि से विकास होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। तो आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने पिलर ढाह दिया है ताकि सरकार का ध्यान वहां पहुंचे। तो कृपया आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आजमगढ़ का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से हो, क्योंकि वहां चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, माता अनुसुईया के पुत्र उनके आश्रम है, जो नदियों के कटान से खत्म होने वाले हैं। तो कृपया उसका संपूर्ण विकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सुना आपने, वो स्पीकर से ये कह रहे हैं कि उनकी सीट जो है वो पिलर के उस पार है और वो अपनी समस्याओं की तरफ, क्षेत्र की समस्याओं की तरफ स्पीकर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन पिलर आड़े आ जाता है। अब इसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी आजमगढ़ की, लेकिन आजमगढ़ के विकास की बात, पर्यटन के लिहाज से विकास की बात, उसकी सांस्कृतिक विरासत, भैरव का जो मंदिर है वहाँ पे उसकी चर्चा उन्होंने की, लेकिन जो असली बात कही, जो उसमें जो राजनीतिक तंज किया, वो कुछ गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी मैं पिलर से पीड़ित हूँ, आजमगढ़ में भी पिलर था, लेकिन अब जनता ने विकास की बाट में उस पिलर को ढहा दिया है। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं अखिलेश यादव को वो पिलर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जीते थे और 2019 में अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए उन्होंने जब जीत गए तो दे दिया था आजमगढ़ से इस्तीफा। इस्तीफे के बाद जो है उपचुनाव हुआ, रामपुर में भी उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जीत करके संसद पहुंचे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। उन्होंने जो है उस पिलर की तरफ इशारा करते हुए तंज कस दिया। साथ में ये भी कहा कि जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, विकास हुआ है वाराणसी का, गोरखधाम का विकास हुआ है, ठीक उसी तरीके से आजमगढ़ का भी विकास होना चाहिए, पर्यटन के लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से। ऋषि मुनियों का उन्होंने उद्धरण दिया और उन्होंने कहा कि वहाँ का विकास होना चाहिए। जीरो और में उन्होंने ये सवाल उठाया था, लेकिन निरहुआ ने आज पहली बार ये राज खोला कि वो पिलर से पीड़ित हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।